हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लश ब्लश। मैं हूं आपकी फ्रेंड दिया और आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे इस प्यारे से चैनल ब्लश ब्लश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलोवेरा जेल। बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, हर किसी को मालूम है कि एलोवेरा जेल तो बहुत अच्छा होता है। और जब भी हमको ये लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ट्रस्ट करते हैं पतंजलि पे। पतंजलि जाते हैं, जाके वहाँ के स्टोर से या ऑनलाइन से हम खरीद लेते हैं एलोवेरा जेल। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, आपने मेरे प्रीवियसली कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मैंने एलोवेरा जेल का यूज किया है और वो पतंजलि का एलोवेरा जेल था। दोस्तों, जो हम यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पे, हम क्या ये जानते हैं कि ये हमारे स्किन के लिए कितना यूजफुल है, कितना यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए और क्या ये ब्रांड अच्छा है या नहीं अच्छा है और कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ों का रिसर्च करना हम भूल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक वर्ड ऑफ माउथ कहा जाता है किसी चीज़ को, और वो इतना है पतंजलि का कि हम आंख बंद करके अंधेरे में भी कहेंगे अरे दिस इज द बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट, राइट? अग्रीड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैंने भी ये जेल जो है ये इसको खरीदा, इसको यूज किया पतंजलि का, एंड दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन इस पे लिखा है कि इसको एवरी नाइट आप लगाइए और लगा के छोड़ दीजिए पूरी रात। अब क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बहुत सारी मेरी जो फ्रेंड्स हैं जो ये देख रही हैं, उन्होंने ऐसा किया है शायद, मैंने भी ऐसा किया एक बार, लेकिन देन आई रियलाइज नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो आप देखिए, ये जो जेल है दिस इज एक्चुअली ऑफ ग्रीन कलर। आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर है, और आप ये भी देख सकते हो कि मैंने इसको यूज किया है, कितना यूज किया है, ऐसी कई बॉटल्स मैं यूज कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कलर का, दैट मींस कि इसमें कोई ना कोई कलर यूज किया गया है जिसके बारे में आई डिडंट सी, मुझे कुछ नहीं दिखा कि इसमें कोई कलर के बारे में मेंशन किया गया है। अगर आपको दिखे तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मेरी थोड़ी आई साइड भी वीक है। तो एनीवेज, आप ये देख सकते हो, ये बोलते हैं 90% इसमें एलोवेरा जेल का यूज किया गया है। तो मैं ये बोलूंगी, या तो आप एकदम फ्रेश एलोवेरा कहीं से अवेलेबल है तो आप उसको यूज कीजिए, और किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई कलर एडेड है तो उसको ओवरनाइट स्किन पे एवरी डे प्लीज डू नॉट यूज। क्योंकि क्या होता है, वो जो आप प्लस चाहते हो अपने स्किन में वो माइनस में चला जाता है। आप चाहते हैं कि रिंकल्स ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, और वो सारी चीजें आपके आने लगते हैं, फिर यू स्टार्ट रनिंग टू डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ, झाइयाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे स्किन के ऊपर। कई लोगों को तो वॉर्ड्स भी होने लगते हैं और वो एजिंग के साथ होते हैं 25 साल। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हम अपने एजिंग प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकें। तो उसके लिए जितना ज़्यादा प्योर प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा ही एक ब्रांड है, उसका नाम है वाओ। वाओ ब्रांड का एलोवेरा जेल इज रियली 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 गुड, क्योंकि वो बिल्कुल एलोवेरा के कलर का है और उसमें इट इज पैराबेन फ्री, बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक फोटो भी शेयर किया है, तो आप ये फोटो जो देख रहे हैं दिस इज रियली अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं एलोवेरा जेल पतंजलि के बारे में। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि मैं एक भी चीज से अग्री नहीं करती हूँ कि इसको 30 मिनट्स तक लगा लो और उसके बाद आप फिर उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लो। मैं ये बोलूंगी कि इसको 15 डेज में एक बार अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, वो भी अगर आप चाहें तो एक महीने में एक बार आप लगाना है तो लगा लो, लेकिन जब इससे बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, वाई नॉट टू गो फॉर इट, राइट? तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खराब प्रोडक्ट है, इससे मुझे किसी भी तरह की कोई एलर्जी या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ, मेरी स्किन को ये प्रोडक्ट सूट किया है। बट एट द सेम टाइम आई डिडंट लाइक दैट दे हैव एडेड द कलर इन दिस। उसके बाद ये बोलते हैं इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, तो अगर केमिकल नहीं है तो इतने साल तक रहेगा नहीं। अगर आप जनरली भी एलोवेरा निकाल के अपने घर में रखोगे, प्योर एलोवेरा अगर आप निकाल के रखोगे, तो वो भी एक टाइम के बाद खराब हो जाता है। हर चीज का एक एक्सपायरेशन डेट होती है, तो इसमें जब तक हम कोई प्रिजर्वेटिव या कोई केमिकल एड नहीं करेंगे तो ये इतने दिन तक रह ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, एक तो ये चीज थी जो आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट एनी ब्रांड आंखें बंद करके किसी को ट्रस्ट नहीं करने का, आंखें खोल करके ट्रस्ट करो, यूज करो, ट्राई करो, पैच टेस्ट करो। अगर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो उस प्रोडक्ट को आप
यूज कर सकते हैं, बट ट्राई अनदर थिंग ऑल्सो. जैसे कि अभी तक हम यूज करते आ रहे थे एलोवेरा का, यू जस्ट ट्राई वाव का एलोवेरा जेल एंड इट इज रियली रियली गुड. मैंने भी अपने लिए ऑर्डर किया है, तो ये तो मैंने कहा कि मैंने भी अपने लिए एलोवेरा जेल ऑर्डर किया है वाव का, जो कि मैंने आपको इमेज में शेयर भी किया है. जब वो आएगा तो मैं आपको उसका भी एक प्रॉपर अच्छा रिव्यू दूंगी, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ मेरे ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके लिए अगर आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स. क्या होता है, इवन मेन दे आर ट्राइंग दिस ओवरनाइट लगा के वो सो रहे हैं, व्हिच इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर एलोवेरा जेल. इसको आप किसी चीज में मिला के जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, ना कि एवरी डे. आई विल से जितना ज्यादा हो सके केमिकल्स से दूर रहिए, जितना ज्यादा हो सके अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके प्योर प्रोडक्ट्स यूज कीजिए. और एलोवेरा घर में लगा लेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. जब भी आपको यूज करना है यूज दैट फ्रेश जेल. तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी वेरी सून विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू लवली पीपल, बिकॉज आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और क्या अभी तक जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों वेट क्या कर रहे हो, कर लो, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस. और मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ. दीज ऑल आर कमिंग राइट फ्रॉम द हार्ट, दे आर वेरी वेरी जेन्युइन रिव्यूज. अगर आप देखेंगे तो मैं डंके की चोट पे दिल से बात करती हूँ. तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, वेरी सून आई विल गेट बैक टू यू विद अ न्यू वीडियो. और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, बिकॉज उससे यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट अपलोड ऑन माई चैनल. तो चलती हूँ, खुदा हाफिज, बाय बाय.